किससे उम्मीद है कौन काम करेगा? महागठबंधन है, भाजपा है, कौन विकास कर सकता है? भाजपा, महागठबंधन? हम तो महागठबंधन, भाजपा। मोदी को क्या मुद्दा था वोट करने के लिए आए थे? बेरोजगारी। लाभ मिलता है सरकारी लाभ? नहीं, नहीं कुछ नहीं देते। नीतीश जी के काम से खुश है मुख्यमंत्री है जो? नहीं, नहीं खुश है। काहे नाराज है? काहे नहीं देते तो हम नाराज नहीं है। पैदा पर से भी नहीं देता है, राशन पानी में कुछ नहीं मिलता है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सुंदरम कुमार। कुडनी के बोलोर पंचायत में अभी मौजूद है और लगातार वोटिंग किया जा रहा है। लोग जो आम वोटर है, मतदाता है, लगातार पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि महिलाएं जो है अभी भी पहुंच रही है वोट करने के लिए। हालांकि जो भीड़ है सुबह के मुकाबले अभी कम हो गई है। लगातार जो सुबह में भीड़ देखने को मिल रहा था उसके बावजूद अभी जो भीड़ है काफ़ी कम देखने को मिल रही है। महिला वोटर जो है पहुँच रही है, सांसद पुरुष भी है, पुरुष की संख्या कम है, महिला की संख्या ज़्यादा है। और 3 बज चुके हैं और पूरे कुडनी में जो अभी 48% मतदान हो चुका है। 3 घंटा का समय बाकी है, 3 घंटा का समय बाकी है। अब कितना प्रतिशत तक जाएगा, कितना और मतदान होगा, ये 3 घंटा में हमें पता चलेगा। 6 बजे तक ही मतदान करना है वोटरों को। और जो मुद्दा है, क्या मुद्दा पे आम लोग वोट करने आए हैं? विकास, जाति, पार्टी, महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारे ऐसे मुद्दा है। क्षेत्रीय नेता हो गए, वो क्या काम किए हैं, उन सभी मुद्दा पे बातचीत करेंगे। लोग क्या सोच करके आए हुए हैं वोट करने के लिए, बारी बारी से जब लोग वोट करके निकलेंगे तो उनसे हम बात करेंगे क्या सोच रहे हैं, क्या उनका मुद्दा था जब वोट करने के लिए आए थे। देखिए कुछ महिला भी हैं जो वोट दे करके लगातार यहाँ वोटिंग के लिए महिला भी है। कुछ महिला जो जा रही है वोट करके, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका मुद्दा था। क्या नाम हो गया? गीता देवी। वोट दे दिए? जी दे। क्या मुद्दा था, किस मुद्दा पे वोट किए हैं? अब दिए हैं जो जिस आधार से हम दे रहे हैं उस आधार से था जो कह रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सारा, जाति, पार्टी, क्या सोच के वोट किए? अब हम तो सोच के दिए हैं जो हमारे सबके लिए अच्छा हो। किससे उम्मीद है कौन काम करेगा? महागठबंधन है, भाजपा है, भाजपा काम होगा। गांव में काम हुआ है? हाँ हुआ। ठीक, चलिए और भी महिला है उनसे भी बात करते हैं। देखिए तो जो वोटर है निकल वोट करके आ रहे हैं, बारी बारी से बात करते हैं कि क्या मुद्दा था। क्या नाम हो गया सर? अशोक कुमार। क्या मुद्दा था वोट करने के लिए आए थे? तो मुद्दा बेरोजगारी मेन, उसके बाद और कुछ मुद्दा, गांव की समस्या। हाँ, विकास तो चाहिए चाहिए। किससे उम्मीद है कौन विकास कर सकता है? भाजपा, महागठबंधन, बहुत सारी पार्टियां हैं चुनावी मैदान में। हम तो महागठबंधन उम्मीद है कि वो बिल्कुल। चलिए क्या नाम हो गया चाचा? दुर्गा सिंह। वोट करने के लिए आए इस उम्र में, क्या मुद्दा था, क्या सोच के वोट किए हैं? सब दिन हम देते आए हैं, जिनको उन्हीं को दिया है, मोदी को। काम हुआ है गाँव में? गाँव में तो काम होता है, नहीं हुआ, कम हुआ, कम हुआ। अरे उम्मीद है कि विकास होगा आने वाले दिनों में। तो ऊपर वाला जाने मोदी का माथा पर विश्वास हम लोग रखते हैं। अगर कराए तो हो जाएगा। अच्छा, आप वोट दे दिए सर जी? क्या नाम हो गया? राम सुरार सिंह। क्या मुद्दा था, किस आधार पे वोट किए हैं? मुद्दा तो वही है कि यहाँ विकास कुछ होना चाहिए, जैसे रोड वोड वगैरह का काम हुआ है। और क्या क्या गांव की समस्या क्या क्या है? गांव की समस्या तो अभी बेरोजगारी है ये है, महंगाई है ये है, सब लोग के नज़र में है। किससे उम्मीद है कि ये सब चीज़ कम कर सकते हैं? उम्मीद तो है, हमारे बाप बेटा है, पिताजी हैं हमारे। अच्छा, दोनों आदमी हम अपना वोट दिए हैं जहाँ देना था। चिराग पासवान, रवि किशन आए थे तो गए थे रैली में? नहीं, हम रैली में नहीं गए। बिना चलिए तो लोग जो है विकास, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दा पर वोट कर रहे हैं। और भी वोटर निकलेंगे तो उनसे बात करेंगे क्या उनका मुद्दा था, किस आधार पर लोग वोट कर रहे हैं। क्या नाम हो गया? नाम कहा बेल अपने के? गिरजा देवी। वोट हो गई? कहाँ सोच के वोट कर ली है? बाबू हम कानून न जनैली, हमरा वोट गिरैली चाहिए। क्या सोच के, आप क्या सोच के वोट किए हैं? अब देखिए ये दिल में है वही सोच के किए हैं। मुद्दा क्या था? मुद्दा जो है से बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ है। हाँ, वो सब गांव में काम हुआ है? हाँ, गांव में काम, क्या काम तो कुछ नहीं हो रहा है गांव में, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा। किसी उम्मीद है कौन करेगा काम? अब अखनी हम कैसे बता दें जे कौन करेगा? वोट किए हैं तो काम गांव में नहीं हुआ, विकास को लेकर के किए? विकास करेगा उस दिन के बात नहीं, अखनी तक कोई उम्मीद नहीं है। कौन विकास करेगा? महागठबंधन है, भाजपा है, और भी पार्टी? वो तो अखनी हम नहीं बता सकते। क्या सोच के आप चाची वोट किए? समझ के क्या कब वोट देना है, वोट में कोई कुछ नहीं अथी देता है। लाभ कुछ लाभ मिलता है सरकारी लाभ? नहीं, नहीं कुछ नहीं देते। नीतीश जी के काम से खुश है मुख्यमंत्री है जो? नहीं, नहीं खुश है। काहे नाराज है? काहे नहीं देते तो हम नाराज नहीं है। पैदा पर से भी नहीं देता है, राशन पानी में कुछ नहीं मिलता है, तो हम क्या अथी करेंगे। वोट करने आए तो क्या किस
किस आधार पे किए, मुद्दा क्या था, जाति देख के किए कि पार्टी देख के कि काम देख? नहीं, जाति देख के नहीं, मुद्दा देख के। मुद्दा विकास के नाम? हाँ। कौन विकास करेगा? अब कौन करे, हम कैसे बोलेंगे? अभी वो लोग खड़ा होंगे जो पहला, तब ना हम मन बताएंगे जहाँ फलना होंगे, अभी हम कैसे जानेंगे। देखिए लोग जो है लगातार वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं, और जाहिर सी बात है जहां जहां हमने बात किया सभी लोग का एक ही कहना है कि विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं, जाति पार्टी को सेकेंडरी माने हुए हैं, और विकास जो करेगा वही कुडनी जीतेगा। अब कौन विकास करेगा ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा जब चुनाव का नतीजा आएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।